गुड आफ्टरनून बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और रेडी हो गए होंगे आज के हमारे लेक्चर को करने के लिए। और आज का हमारा लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 9 एंड द टॉपिक इज गोइंग टू बी द सेम मैटर इन आवर सराउंडिंग। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग, असल में 4 बज गया है तो गुड इवनिंग हो गया है। तो अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे L1 कोचिंग के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में। L1 कोचिंग जो कि वाराणसी में एक नाम है फील्ड ऑफ एजुकेशन। हम लोग पिछले 15 साल से, लगभग 15 साल से भी ज़्यादा हो गया है, पिछले 15 साल से लगातार डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगला नंबर जो है वो आपका हो और आप लोग भी एक अच्छे लेवल पर पहुंचकर एक अच्छे डॉक्टर बने और एक अच्छे इंजीनियर बने। दैट इज़ ऑल वी आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर जर्नी। आप एक जर्नी पर निकले हुए हैं और हम आपका साथ देंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को अपने गोल को अचीव करना है, अपने सफलता को पाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग, और मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि यहाँ पर आगे पीछे करने के लिए वो नहीं है। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसको हम लोग अभी रेक्टिफाई करते हैं, जस्ट अभी रेक्टिफाई करते हैं। देखते हैं कहाँ चला गया, नीचे वो नहीं है। So hardly it will take a couple of minutes and it's already there. तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज भी हम लोग वही देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें जानना है मैटर से जुड़े हुआ। L1 Aspire ऐप के बारे में हम लोग स्किप करते हैं, यू ऑल पीपल नो वेरी वेल अबाउट इट। हम बार बार इसको रिपीट करते हैं, आप लोग को एकदम रट्टा हो गया होगा। कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी आप लोग को पता हो गया होगा। अ समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या बताया था? तो हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ दो टर्म्स को हमने इंट्रोड्यूस करा था, दैट इज़ रिजिडिटी एंड फ्लूडिटी। हमने रिजिड के बारे में बताया था और फ्लूड के बारे में बताया था, और ये बताया था कि दोनों जो है वो एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फोल्डेबल है कि नहीं फोल्डेबल है, बेंडेबल है कि नहीं बेंडेबल है। दैट इज़ द केस ऑफ फ्लूडिटी एंड रिजिडिटी। मैंने आपको बताया था कि रिजिड आर दोज सब्सटेंस, या रिजिड इज़ द प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस इज इन एक्सपेंडेबल, या सब्सटेंस इज इन अनबेंडेबल, जिसको हम लोग मोड़ नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग जिसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट स्ट्रक्चर, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिजिड स्ट्रक्चर। और रिजिड का जस्ट उल्टा होता है फ्लूड, कि जो अपने शेप को चेंज कर ले, जो अपने आकार को चेंज कर ले, वो होता है फ्लूड बिहेवियर का। फिर मैंने आपको बताया था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कि मैटर को हम लोग कैसे फिजिकली क्लासिफाई करते हैं, और बहुत ही बेसिक लेवल का क्लासिफिकेशन था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि यूजुअली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। 2 चीज़ों को हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जो कि नॉर्मली पाया नहीं जाता है, पर हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन वी कैन हैव अ 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर, विच इज़ प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज BEC। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंत में पढ़ेंगे, पर अभी हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है सॉलिड लिक्विड एंड गैस। और फिर मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बताया था कि किन किन प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग सॉलिड लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। पिछले क्लास में, सैटरडे की क्लास में, हमने यही सारी बातें कही थी, बस मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट बता दिया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग केवल और केवल एक्सप्लेनेशन पार्ट पे फोकस करेंगे कि किस वजह से
सॉलिड लिक्विड एंड गैस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हाउ दे आर डिफरेंट ये हमने देख लिया है, एंड वाई दे आर डिफरेंट ये आज हमें देखना है. तो हमने, मुझे याद है कि मैंने आपको 10 पॉइंट पर डिफ्रेंसिएशन बताया था, तो आज उन्हीं 10 पॉइंट पर हम लोग रीज़न की भी बात करेंगे कि अलग अलग पॉइंट के पीछे क्या क्या रीज़न है. तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए पहले एज यूजुअल हम लोग वार्म अप वाला सवाल एक ले लेते हैं और देखते हैं कि आपको ये सवाल का जवाब आता है कि नहीं आता है. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. आज का सवाल जो है काफ़ी सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी उस पर फोकस करेंगे, थोड़ा सा भी इसको मेमोरी कॉन्सेप्ट के आधार पर लगाएंगे तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. मैं स्टेटमेंट को रीड करता हूँ. ए स्टेटमेंट है, मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजिशन. कि जो सॉलिड में हमारा मॉलिक्यूल है वो अपने फिक्स्ड पोजीशन पे वाइब्रेट करता है. कि आपको ये लगता है कि सही है कि गलत है बताइए. मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न. कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. मॉलिक्यूल इन अ गैस एग्जर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्स ऑन ईच अदर. कि जो गैस होते हैं मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ना के बराबर फोर्स एग्जर्ट करते हैं. ठीक है. मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल इन अ वेसल. कि जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के वो सारे के सारे स्पेस जो कि वेसल में मौजूद है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है, गलत स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है. तो मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ और 2 मिनट के समय में आप इसका सही जवाब दीजिए. ओके. तो एक एक स्टेटमेंट को हम लोग रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सही है कि गलत है. सबसे पहली बात है कि मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है. सॉलिड का पार्टिकल केवल अपने स्थान पर वाइब्रेट करता है. सो दैट इज़ हैविंग अ वाइब्रेशनल एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम सही है. मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा. मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न. क्या आपको लगता है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, मतलब कि उसका पैटर्न फिक्स्ड होता है और वो चेंज नहीं करता है? मेरे ख्याल से ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है. क्योंकि अगर मॉलिक्यूल या अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल में पैटर्न फिक्स होता तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका शेप भी फिक्स हो जाता. यही खास बात है कि जैसे कि सॉलिड में, सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उनका अरेंजमेंट एकदम फिक्स्ड है, रेगुलर है, फिक्स्ड है. इस वजह से सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. वहीं अगर हम लोग फिक्स्ड शेप, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप. वहीं अगर हम लोग बात करते हैं लिक्विड में, तो लिक्विड के पास अपना कोई शेप फिक्स नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल जो है वो लगातार
मूव करता रहता है, उनका रैंडम मूवमेंट होता रहता है। तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर नॉट अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। तो इस हिसाब से हमने देखा जाए तो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बाकी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एग्जर्ट नेग्लिजिबली स्मॉल फोर्स ऑन ईच अदर, बिल्कुल सही, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और गैस में बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि सी स्टेटमेंट सही है, तो ये आंसर बिल्कुल नहीं है। और डी वाला, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल इन अ वेसल, एकदम सही बात है कि अगर हम किसी गैस को वेसल के अंदर रखें, गैस जो है वो पूरे की पूरे वेसल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है, क्योंकि गैस का पार्टिकल बहुत तेज़ी से मूव करता है और गैस के पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, तो वो एकदम पूरा फैलने लगता है और फैल के पूरा का पूरा वेसल के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इस वजह से हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है। सी ऑप्शन भी सही है, इसलिए ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए यही आंसर हो गया। ओके, काफ़ी लेट बच्चे आ जाए हैं, मतलब कि देख रहे हैं कि यहाँ पर 5-10 मिनट बाद है, 10 मिनट के बाद आए हैं। दक्ष, अक्षय, ममता, आदित्य, संदीप तो पहले से ही थे, ठीक है, और बाकी बच्चे जो हैं काफ़ी लेट हैं। लेट मत हुआ करिए, लेट होते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब कि हम भूतों को पढ़ा रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो समझ में आता है कि हम भूतों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी, पे योर कॉपी इन अ प्रॉपर वे, एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, टूडेज लेक्चर। ओके, ग्रुप में लिंक नहीं मिला था, तो अब मिला है शायद ग्रुप में लिंक। चलिए हम बोलेंगे कि ग्रुप में लिंक पहले से ही दे दिया जाए। ओके, ओके, तो अभी अभी जस्ट हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, एज यू ऑल पीपल नो कि हमारे क्लास का जो सबसे पहला स्लाइड होता है वो वार्म अप वाला सवाल होता है, और ये है आपका आज का वार्म अप का सवाल, तो नोट इट डाउन प्लीज। ओके साहिल, हाँ, अब ये देखिएगा कि जो L1 एस्पायर पे है, अब पूरा का पूरा लाइव हो रहा है हमारा, जितना भी अब ये सब वीडियोस हैं अब वो धीरे धीरे हम लोग L1 एस्पायर पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो लिंक नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब यही है कि जब L1 एस्पायर पे वीडियो चलता है तो हम लोग लिंक सर्कुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो प्राइवेट होने वाली है। L1 एस्पायर इसीलिए हमने बनाया कि हमारा जो स्टडी है वो एकदम प्राइवेट हो, अननेसेसरी जो आलतू जो क्या बोलते हैं कि अलग से जो विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन जो क्लास चल रहा था, अब उसको हम लोग धीरे धीरे क्लोज करेंगे। तो L1 एस्पायर पे अब क्लास लाइव चल रही है, तो कोशिश करिए कि L1 एस्पायर पे आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, वरना प्रॉब्लम आपको होगी। ओके, अच्छा, उस पर लाइव चैट शो नहीं कर रहा है, देखते हैं कि नए वाले L1 एस्पायर में क्यों लाइव चैट शो नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले वाले साल तो बहुत ही अच्छी तरीके से लाइव चैट शो होता था। चलिए, ओके, सो लेट्स मूव आउट टू अवर टुडेज लेक्चर। रिजिड एंड फ्लूड, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, गड़बड़ तो नहीं ना हो गया आज का। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, मैं चेक करना चाहूँगा। हाँ, रीजंस फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऐसा लग रहा था कि कहीं है। मैं पिछला वाला पीपीटी तो उठा के नहीं ले आया अचानक से, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैंने ये आपको 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जिनके बिहाफ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था सॉलिड लिक्विड एंड गैस, शेप के बिहाफ पर, वॉल्यूम के बिहाफ पर, डेंसिटी के बिहाफ पे, इंटर पार्टिकुलर स्पेस के
बिहाफ पर और इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था। फिर पांच और प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था, डिफ्यूजन के बिहाफ पर, कॉम्प्रेसिबिलिटी के बिहाफ पर, फ्लूडिटी एंड रिजिडिटी के बिहाफ पर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पर और काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पर। सारे टेक्निकल टर्म्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो चलिए अब हम लोग रीजंस देखते हैं, रीजंस फॉर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। जल्दी से हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, अच्छे से कॉपी में हेडिंग डालिएगा। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो क्लियर नहीं है बेटा, रिफ्रेश करिएगा क्योंकि आज यहाँ पे मौसम एकदम साफ है। ठीक है ममता, आपके वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हर क्लास में आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपका जो नेटवर्क है वो थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अगर होता है तो नेटवर्क को आप चेंज करिए या फिर कोई अच्छा नेटवर्क आप चूज़ करिए अगर आपके आसपास है किसी और का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नोटिस कर रहे हैं कि हर लेक्चर में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रीजंस के बारे में। अगर हम लोग बात करें रीजंस के बारे में कि क्यों सॉलिड लिक्विड और गैस आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, आपस में डिफरेंट होते हैं, तो मोटी मोटा अगर बात किया जाए तो तीनों के पीछे रीजंस के पीछे जो कारण होता है वो केवल तीन कारण होते हैं। केवल तीन कारण हैं जिसकी वजह से सॉलिड लिक्विड से डिफर करता है, लिक्विड गैस से डिफर करता है एंड वाइस वर्सा, या गैस सॉलिड से भी डिफर करता है, केवल तीन रीजंस के हिसाब से। पर अगर हमें रीजंस के बारे में बात करना है तो हर एक प्रॉपर्टीज़ पर हम तीनों की तीनों रीजंस नहीं लगाते हैं, अप्रोप्रिएट है जो चीज़ की ज़रूरत है केवल उसी रीजंस को हम लोग अप्लाई करते हैं। ये नहीं कि हर एक प्रॉपर्टीज़ में सॉलिड क्यों डिफर कर रहा है लिक्विड से, गैस इन इन द टर्म ऑफ शेप वॉल्यूम, तो तीनों की तीनों रीज़न नहीं लगा देंगे। जो जस्टिफाइबल है उसी रीज़न को हम लोग करते हैं, उसी रीज़न को हम लोग बात करते हैं। तो देखिए कॉज फॉर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन थ्री पैरामीटर। तीन पैरामीटर के आधार पर, केवल तीन पैरामीटर के आधार पर हम प्रॉपर्टीज़ में जो वेरिएशन है उसको हम जस्टिफाई कर देते हैं। हमारा काम ही यही है आज कि हमें जस्टिफाई करना है कि शेप जो है वो तीनों का डिफर करता है, क्यों हमें वही जस्टिफाई करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पर बात करना पड़ेगा। तो हमारे लिए केवल तीन पॉइंट्स हैं और हम लोग ये देखेंगे कौन सा पॉइंट परफेक्ट फिट बैठेगा। पहले देख लेते हैं कि वो तीन पॉइंट क्या क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है इंटर पार्टिकल स्पेस, कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो डिसाइड करता है कि सॉलिड लिक्विड और गैस में प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगी। ये अहम पॉइंट है कि हमने देखा है कि पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो डिफर करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का जो स्टेट है। तो उसके आधार पे हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टीज भी क्या करती है, चेंज कर जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग देखेंगे वो होगा इंटर पार्टिकल स्पेस। फिर दूसरा पॉइंट जिसके आधार पे सॉलिड लिक्विड और गैस डिफ्रेंशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिसाइड करेगा सॉलिड लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेगी। तो सेकेंड पॉइंट विल बी द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे से डिफर करें, जैसे कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो अलग चीज है और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग चीज है। हाँ ये है कि दोनों को हम लोग आपस में कोरिलेट भी कर सकते हैं। अगर कोई बोलता है कि क्या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटर पार्टिकल स्पेस आपस में कोरिलेटेड है, हम बोलते हैं कि हाँ, दोनों में एक कोरिलेशन भी होता है और उस कोरिलेशन की वजह से हम लोग बोलते हैं कि दोनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम कोरिलेशन की बात करें तो हमने ये देखा था, एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को पता ही है, कि हमने ये देखा था कि सॉलिड लिक्विड और गैस में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, डिफर करता है। सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, मेरी बात को सुनिएगा।
सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है, लिक्विड में कम होता है और गैस में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। और यहीं पर हम लोग बात करते हैं कि दूसरा इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करते हैं। तो इंटर पार्टिकल स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस काफ़ी कम होता है, ना के बराबर, थोड़ा बहुत तो होता है पर ना के बराबर होता है, और लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को स्पेस से, इंटर पार्टिकल स्पेस से कोरिलेट करें, तो ये है कि जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं, जब भी पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक नए स्कूल में गए, आप नाइन्थ क्लास में हैं, तो नाइन्थ क्लास में फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कि आपका एक नए स्कूल में एडमिशन हुआ, नए स्कूल में एडमिशन हुआ और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, तो आपको क्या होता है कि एक प्रॉपर सीट पर जाके बैठना रहता है। और प्रॉपर सीट पे भी कैसे है कि एक सीट पर दो बच्चे बैठेंगे, एक सीट पे क्या होगा, केवल दो बच्चे बैठेंगे, तो वही इंतज़ाम है और ढेर सारी सीट्स लगी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बच्चों का क्लास है तो 25 बेंच लगा हुआ है, 25 बेंच लगा हुआ है और एक बेंच पे जो है, सीट पे नहीं बेंच पर, सीट पे तो काफ़ी ज़्यादती हो जाएगी कि एक सीट पे दो बच्चे कैसे बैठेंगे। ठीक है, सुन बेटा अभी कुछ लिख मत साहिल। तो एक बेंच पे दो बच्चों को बैठना है, तो ठीक है बच्चे बैठ रहे हैं, आप भी गए और एक बेंच पे जो है बैठ गए और ढेर सारे बच्चे हैं, तो फिर ये होता है कि एक ये होता है कि कौन सा बच्चा जो है किससे ज़्यादा निकट है, या कौन सा कौन दो बच्चों के बीच में ज़्यादा दोस्ती है। ये होता है कि दो बच्चों के बीच में ज़्यादा दोस्ती होती है, तो ये होता है कि कौन से दो बच्चों के बीच में ज़्यादा दोस्ती होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बट नेचुरल सी बात है कि जो बच्चे एक बेंच पे बैठे हुए हैं उनके बीच में दोस्ती अच्छी होगी, अगर दोस्ती नहीं होगी तो आप उठ के कहीं दूसरे बेंच पे भाग जाओगे, मतलब कि ऐसे बेंच पे रहना पसंद करोगे जिसका पार्टनर जो है, जो आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता हो, इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा हो। तो इंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है तो दोनों के बीच में दोस्ती ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं यही आपसे सवाल पूछूं कि आप में और कोने वाले बच्चे के बीच में क्या दोस्ती होगी, बोलते हैं कि हो भी सकती है पर नहीं भी हो सकती है, काफ़ी दूर है, इंट्रैक्शन बड़ा कम हो रहा है, कोने वाला बच्चा बैठा हुआ है, आप यहाँ पे बैठे, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन काफ़ी कम है। क्यों इंट्रैक्शन काफ़ी कम है? क्योंकि दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा होने की वजह से इंट्रैक्शन कम है और इंट्रैक्शन कम होने की वजह से दोस्ती भी कम रहेगी। वहीं पर जो आपके बेंच पर बैठा हुआ है, दूरी कम है इंट्रैक्शन ज़्यादा है, इंट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, वहाँ पर दोस्ती भी ज़्यादा हो जाएगी। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोस्ती का ही नाम है बेटा, दोस्ती का ही नाम है। जब दो पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनके बीच में दोस्ती अच्छी होती है, जितना करीब होंगे उतनी दोस्ती अच्छी होगी, जितना दूर होंगे उतनी दोस्ती खराब होगी। तो यही होता है, जैसे जैसे दो पार्टिकल के बीच में स्पेस घटेगा, इंटर पार्टिकल स्पेस घटेगा, दोनों पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ये बात समझ में आ रही है ना सबको? आ रही कि नहीं आ रही है? मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ रही है। सो वी कैन से दैट इंटर पार्टिकल स्पेस जो है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हो गया इक्वेशन। तो हमने क्या किया, दोनों चीज को एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया, कोरिलेट कर दिया एकदम आसान से, एकदम सरल भाषा में हमने दोनों को क्या किया, कोरिलेट कर दिया कि अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ स्पेस ज़्यादा होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। सो दीज टू पैरामीटर आर कोरिलेटेड बाय दिस वे। तो इस तरीके से क्या होता है, आपस में कोरिलेट करता है।
क्या करेगा, कोरिलेट करेगा। यहीं पे एक तीसरा पैरामीटर भी आता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा पैरामीटर है मोमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का। और अगर बात किया जाए तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो कोई अलग से नहीं आया है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज जस्ट ड्यू टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही क्रिएट कर रहा है मोमेंट ऑफ पार्टिकल। होगा कि नहीं होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है तो दोनों के बीच में जो मोमेंट होगा वो खराब होगा, वो कम होगा, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सॉलिड का केस, सॉलिड में क्या होता है कि दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना मजबूत है जिसकी वजह से दोनों पार्टिकल जो है अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं, वो केवल वाइब्रेट कर पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वही अगर हम लोग गैस को कंपेयर कर रहे हैं, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना खराब है तो इस वजह से पार्टिकल एकदम आज़ादी महसूस कर रहा है और बोल रहा है कि हम कहीं पे भी घूमेंगे क्योंकि हमें रोकने वाला कोई है ही नहीं। वही सॉलिड में आप पार्टिकल का पड़ोसी जो है उसको रोक रहा है, बोल रहा है कि तुम भाग नहीं सकते, मेरे साथ रहना है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज ड्यू टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वी कैन ऑल्सो से दैट इंटर पार्टिकल स्पेस विल रिजल्ट इन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल रिजल्ट इन मोमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब कि कहीं ना कहीं तीनों की तीनों पैरामीटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम रखेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल घट जाएगा, मोमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आई बात? तो हमने वहां पे दो चीजों को आपस में कोरिलेट किया है, तो अगर हमें तीनों चीजों को आपस में कोरिलेट करना होगा तो हम सीधे ऐसे करेंगे। देखिएगा, तीनों चीजों को हम आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फिर तीसरे को भी कोरिलेट कर लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ पार्टिकल से। इससे बेटा मोमेंट ऑफ पार्टिकल से, तीनों की तीनों को हमने कोरिलेट कर दिया। अगर इंटर पार्टिकल स्पेस हाई करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चा, अभी ईमानदारी से बता, सबको समझ में आया कि नहीं आया? इतना जो मैंने मेहनत किया है उस मेहनत का कोई रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बता। अक्षय दक्ष, वंदना, साहिल, अम्बरीश एंड रेस्टॉल, एकदम क्लियर सब लोग बताएं, बड़ा मेहनत किए हैं, वेरी गुड। तीनों आपस में कोरिलेटेड हैं, पर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों में से किसी भी पॉइंट को लेकर हम जस्टिफाई करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट इट डाउन, नोट दिस ऑल। श्रीकांत पांडे, तीनों चीजों को एकदम सिंपल वे में समझिए कि हम किसी भी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं कि तीन पैरामीटर पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीन पैरामीटर में से जो सही है उस पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तीन पैरामीटर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला पैरामीटर इंटर पार्टिकल स्पेस,
दूसरा पैरामीटर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और तीसरा पैरामीटर मोमेंट ऑफ पार्टिकल। मैं आपको ये बोल रहा था कि तीनों की तीनों पैरामीटर एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, यानी कि तीनों की तीनों एकदम डिफरेंट हैं। हाँ डिफरेंट तो हैं पर तीनों की तीनों आपस में किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम लोग तीनों को कोरिलेट करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है, यानी कि पार्टिकल अगर पास पास हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जब पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल मूव नहीं कर पाएगा। तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि तीनों को हमने आपस में कोरिलेट कर दिया। इफ़ द इंटर पार्टिकल स्पेस इज़ हाई तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लो, एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो तो पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव एंड देयर मूवमेंट विल बी हाई। तो चलिए मूव करते हैं अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पार्ट पर, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। एक एक करके प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। पहले हम आपसे पूछेंगे, फिर मैं बताऊँगा कि किस आधार पर इसको करना चाहिए। जैसे कि शेप को हमने तीन पैरामीटर के बारे में पढ़ लिया है, तो आपको क्या लगता है कि शेप को किस पैरामीटर के आधार पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? सॉलिड में शेप जो है वो फिक्स है, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं है, और गैस में भी शेप फिक्स नहीं है। तो बताइए किस आधार पे हम लोग शेप को डिफ्रेंशिएट करेंगे? वेरी गुड अक्षय सिंह। अक्षय सिंह को लग रहा है कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर कर सकते हैं। पर अगर देखा जाए तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ हम लोग मोमेंट ऑफ पार्टिकल पर भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, दोनों पर कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि दोनों एक दूसरे से जुड़े भी हैं, मोमेंट ऑफ पार्टिकल के आधार पर भी कर सकते हैं। किस पर? मोमेंट ऑफ पार्टिकल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सब्सटेंस का पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि उस सब्सटेंस का शेप क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। और वहीं अगर किसी सब्सटेंस का पार्टिकल मूव कर रहा है, फ्री है, मूव करने के लिए फ्री है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस सब्सटेंस का शेप जो होगा वो डिफर करेगा। जहाँ पे पार्टिकल जाएगा शेप उसी हिसाब से क्या करेगा? डिफर करेगा। क्या करेगा बेटा? डिफर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड में पार्टिकल जो है अपने स्थान पे फिक्स है, तो इस वजह से उसका शेप भी क्या है? फिक्स है। वहीं लिक्विड में पार्टिकल फिक्स नहीं है तो शेप उसका फिक्स नहीं है, और वहीं गैस में भी पार्टिकल फिक्स नहीं है तो शेप उसका फिक्स नहीं है, शेप उसका फिक्स नहीं है। तो ऑन दी बोथ दी पैरामीटर, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे भी और मोमेंट ऑफ पार्टिकल के भी आधार पे भी, ये मोमेंट ऑफ पार्टिकल आया कहाँ से? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर से ही तो आया है। जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है तो मोमेंट का पार्टिकल हो ही नहीं रहा है, और इस वजह से शेप फिक्स हो जाता है। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। व्हेन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांग, when interparticle force of attraction is strong, then moment of particle is absent, 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 and hence shape will be fixed, and hence shape will be fixed, and hence shape will be fixed, and hence shape will be fixed. Shape क्या रहेगा बेटा? Fix हो जाएगा। ठीक है, दोनों पर ही कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
शेप क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो शेप जो है वो मोमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, किस पे, मोमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम की अगर बात करा जाए, कि जैसे हमने आपको बताया था कि सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है और गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, तो ये किस आधार पर, ये किस आधार पर, बफर कर रहा है, मोमेंट ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम जो है वो मोमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ये मानना है साहिल यादव का मोमेंट ऑफ पार्टिकल पर, इस पे बेटा मोमेंट ऑफ पार्टिकल पर वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर हमें जस्टिफाई करना है तो वॉल्यूम को हम लोग जस्टिफाई करेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस पर, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ही डिसाइड करेगा कि सब्सटेंस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। वही बात है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितना एरिया या कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है, सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, सब्सटेंस ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उस सब्सटेंस के अंदर खाली स्पेस कितना है। अगर खाली स्पेस कम है तो ऑब्वियसली बात है कि सब्सटेंस ने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वही अगर खाली स्पेस ज़्यादा है तो वहाँ पे सब्सटेंस ने क्या करा होगा, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। सो वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस, किस पर बेटा, इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया कि केवल 9 पार्टिकल का हमने एक सब्सटेंस लिया है, केवल 9 पार्टिकल का सब्सटेंस लिया है और उन 9 पार्टिकल का जो डायमीटर है वो एकदम हमने सेम किया हुआ है। पहले केस में हमने क्या किया, 9 पार्टिकल ड्रॉ कर लिया, दूसरे केस में देखिएगा, दूसरे केस में भी हम लोग 9 पार्टिकल ड्रॉ कर रहे हैं, और तीसरे केस में भी हम लोग क्या करेंगे, 9 पार्टिकल ड्रॉ करेंगे। पार्टिकल की साइज तो उतना ही है जितना पहले में था, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस कहां पर आया है, इंटर पार्टिकल स्पेस, क्योंकि यहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, मिनिमम है, तो इस वजह से वॉल्यूम भी क्या हो गया, मिनिमम। यहां पे इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और यहाँ पे इंटर पार्टिकल स्पेस और बढ़ गया तो वॉल्यूम जो है अपने मैक्सिमम कंडीशन पे चला जाएगा। तो वॉल्यूम कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस, लिखेगा मोर द इंटर पार्टिकल स्पेस मोर विल बी द स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, मोर द इंटर पार्टिकल स्पेस मोर विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। More the interparticle space, more will be the volume occupied. More will be the volume occupied. ठीक है, समझ में आया बच्चा, बोलिए। सब लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके क्लियर। वंदना, साहिल, बाकी बच्चे, अक्षय, ओके दक्ष, ओके, और बाकी बच्चे
क्या हाल चाल है ममता बेटा? आपका दुख भरा सिचुएशन का कुछ सॉल्यूशन निकला ममता यादव? तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डेंसिटी। डेंसिटी को किस पे हम लोग जस्टिफाई करेंगे? सीधी सी बात है, अगर वॉल्यूम को हम लोग जस्टिफाई कर रहे हैं इंटर पार्टिकल स्पेस पर, तो डेंसिटी को भी हम लोग क्या करेंगे? इंटर पार्टिकल स्पेस पर ही जस्टिफाई करेंगे। होगा कि नहीं होगा? बिकॉज डेंसिटी का जो डेफिनेशन था वो क्या था? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो फिक्स है, पार्टिकल का मास तो फिक्स है, बस केवल क्या चेंज करेगा? वॉल्यूम चेंज करेगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई किया गया है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने तीन स्ट्रक्चर पिछले वाले में ड्रॉ किया था, तीन स्ट्रक्चर पिछले वाले में ड्रॉ किया था, तो अगर तीनों स्ट्रक्चर को कंपेयर किया जाए, ये वाला, बीच वाला और उधर किनारे वाला, तो इधर वाला वॉल्यूम कम था तो सीधी सी बात है कि डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था, डेंसिटी कम हो गया। वहाँ पे वॉल्यूम और ज़्यादा, डेंसिटी क्या हो जाएगा? और भी कम हो जाएगा। सो डेंसिटी या चेंज इन डेंसिटी या वेरिएशन इन डेंसिटी कैन बी जस्टिफाइड बाय इंटर पार्टिकल स्पेस। लिख लीजिएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस। बच्चे समझ गए? जब बच्चे इस तरह के समझना स्टार्ट करते हैं ना, मुझे लगता है कि अब वो कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं अच्छे से, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटर पार्टिकल स्पेस के आधार पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो देखिए कितना आसानी से हमने तीन पैरामीटर को आपस में डिफरेंशिएट कर लिया। शेप मोमेंट ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम इंटर पार्टिकल स्पेस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी इंटर पार्टिकल स्पेस पे डिपेंड करता है। जो यहाँ पे चौथा और पांचवा पॉइंट था वो तो खुद वही था। क्या था? इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इस पर हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पर इंटर पार्टिकल स्पेस अपने में खुद एक पैरामीटर है। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर हमें जस्टिफाई करना है कि इंटर पार्टिकल स्पेस कैसे चेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है। कि हमसे कोई पूछता है कि बताइए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो क्यों चेंज करता है, तो हम यही बोल सकते हैं कि अगर आपको इंटर पार्टिकल स्पेस जो चेंज कर रहा है उसको जस्टिफाई करना है, तो आपके पास केवल एक ही पॉइंट है, एक ही पैरामीटर है, वो क्या है? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर दो पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है या मजबूत है, तो दोनों पार्टिकल के बीच का स्पेस कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, वाइस वर्सा का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही करेंगे। लिख लीजिएगा, हायर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर विल बी द इंटर पार्टिकल स्पेस। हायर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर विल बी द इंटर पार्टिकल स्पेस, एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इसका उल्टा भी सत्य है। हायर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉमा लोअर विल बी द इंटर पार्टिकल स्पेस। और वही चीज़ इसमें भी आ जाएगा, इंटर पार्टिकल फोर्स में आ जाएगा, कि अगर इंटर पार्टिकल फोर्स को हमें जस्टिफाई करना है तो एक ही पैरामीटर है, इंटर पार्टिकल स्पेस से हम लोग जस्टिफाई करेंगे। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस, कि अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर स्पेस ज़्यादा है तो फोर्स कम होगा, एंड सो ऑन। लिखते चलिए, लिखते चलिए बच्चा लोग, लिखते चलिए। तो ये पांच पैरामीटर हो गया, और पांच पैरामीटर और बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग आज ही खत्म करेंगे। अगली क्लास से कुछ नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया
हेडलाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इंटर पार्टिकल फोर्स, मूविंग टू सिक्स डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे? डिफ्यूजन, और मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे कि डिफ्यूजन को कैसे जस्टिफाई करना है, कि सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है, लिक्विड में डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, गैस में डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो किस आधार पे हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, किस आधार पे हम लोग इसको जस्टिफाई करेंगे? तो वेरी गुड, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे करेंगे। और अगर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ पार्टिकल पर करेंगे। मोमेंट ऑफ पार्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या? मोमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ टेंडेंसी ऑफ द मोमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल मूव करने की टेंडेंसी होती है कि पार्टिकल कितना तेजी से मूव कर रहा है। तो पार्टिकल मूव कर रहा है तो सीधी सी बात है कि डिफ्यूजन डिपेंड करता है पार्टिकल के मूवमेंट पर। अगर सब्सटेंस के अंदर पार्टिकल का मूवमेंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, पार्टिकल का मूवमेंट कम है तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दोनों, अब देखिए यहाँ पर आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं और मोमेंट ऑफ पार्टिकल दोनों भी बोल सकते हैं, पर अगर आपको कोई एक सेलेक्ट करना है कि दोनों में से कौन सा सबसे बढ़िया है, दोनों ही अच्छा है पर दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है, तो हम लोग बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ पार्टिकल है एकदम अप्रोप्रिएट है डिफ्यूजन को जस्टिफाई करने के लिए। बिकॉज हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखा था, स्पॉन्टेनियस मोमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो ऑब्वियस ही बात है कि डिफ्यूजन को जस्टिफाई करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ पार्टिकल देखना पड़ेगा। अगर पार्टिकल का मोमेंट ज़्यादा है तो डिफ्यूजन तेज होगा, अगर पार्टिकल का मोमेंट स्लो है डिफ्यूजन स्लो होगा, अगर पार्टिकल का मोमेंट है ही नहीं तो डिफ्यूजन क्या होगा? होगा ही नहीं। तो मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज द बेस्ट वे, लिख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज द बेस्ट वे टू जस्टिफाई डिफ्यूजन इन अ वेरियस स्टेट। मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज द बेस्ट वे टू जस्टिफाई, इज द बेस्ट वे टू जस्टिफाई डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट, डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट। डिफ्यूजन इन वेरियस स्टेट, वेरी गुड बच्चा, सबने बातें लिख दी है, सबको क्लियर होगा। वेरी गुड, नोट्स एकदम प्रॉपर बनाते चलिएगा, क्योंकि हमें उम्मीद है, इनफैक्ट हमें यकीन है कि आने वाले एक या दो महीने में हमारा फिजिकल क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ऑफलाइन क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ऑफलाइन क्लासरूम स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या ऑनलाइन में रहना चाहते हैं तो ऑनलाइन में भी रह सकते हैं। तो जब ऑफलाइन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ पर नोट्स की बात करेंगे। जैसे कि पिछले साल जो हमारा 9th क्लास का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, सितंबर में स्टार्ट हुआ था, पर स्टार्ट हुआ था और हमारे पास मोर देन एनफ टाइम था। अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हुआ था, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी चार महीने में हमने फिर से पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया था। तो यू विल बी हैविंग अ प्लेंटी ऑफ टाइम, मच टाइम। तो अभी तो हम लोग यही देख रहे हैं, जैसे कि कल तो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि तेलंगाना में तो स्टार्ट कर दिए हैं, बोले कि 1 जुलाई से हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, 1 तारीख से हम स्टार्ट कर देंगे। तो हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में अगर होता है तो लेट ऑफ जुलाई या फिर अगस्त में तो स्टार्ट होना ही चाहिए, यही है, हम भी यही समझ रहे हैं ममता, कि या तो लेट ऑफ जुलाई हो सकता है, जैसे कि अगर ओपन करना भी होगा तो सबसे पहले 10th और 11th और 12th को ही ओपन करते हैं, 11th 12th को ओपन करते हैं, फिर 9th 10th पे आ जाते हैं। तो या तो लेट ऑफ जुलाई या फिर अगस्त से हमारा फिजिकल क्लासरूम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वो तो है ही है बेटा, वो तो मैं भी मानता हूँ कि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। और दक्ष को लग रहा है कि कोविड 3rd वेव,
थर्ड वेव तो पेपर में चल रहा है कि थर्ड वेव आ सकता है, अब जब आएगा तो देखा जाएगा, आएगा तो देखा जाएगा। पर ये नहीं कि हम डर के मारे हम लोग एकदम छुप के बैठ जाएं कि थर्ड वेव आने वाला है तो नहीं निकलेंगे। तो पता चला कि फ्यूचर में थर्ड वेव आया ही नहीं, मे भी हो सकता है कि थर्ड वेव आया ही नहीं, अभी तो बस अनुमान लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव आया ही नहीं, तो बस बैठे की बैठे ही रह गए और वहाँ पे सब काम हो गया। ओके चलिए अगला, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ये बताइए कि ये एकदम सिंपल सा है, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था कॉम्प्रेसिबिलिटी का, तो बताइए कॉम्प्रेसिबिलिटी को अगर आपको जस्टिफाई करना है कि चीज़ें कॉम्प्रेस हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कितना कॉम्प्रेस हो रहा है, उसको किस पैरामीटर पर जस्टिफाई करेंगे? ममता भी बोल रहे हैं कि सर थर्ड वेव आने वाला है, बहुत वेव हो सकता है, जैसे कि ये जो पूरा का पूरा केस चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको एनालाइज कर रहे हैं, जो 100 साल पहले पैंडेमिक आया था, 100 साल पहले 1920 के आसपास कुछ आया था, 1919 में, 1919 में आया था, इसको जिसको कि हमने बोला था क्या, स्पेनिश फ्लू, वर्ल्ड वार इन स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते थे, और इंडिया वाले जो है वो बॉम्बे फीवर के नाम से जानते थे, क्योंकि बॉम्बे से स्टार्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जितने भी जहाज होते थे बॉम्बे में ही आकर सबसे पहले आते थे, तो बॉम्बे से ही आया था, बॉम्बे फ्लू के नाम से जाना गया था या फिर स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया था। तो 1919 में आया था और लगभग 2 साल चला था, तो कुछ ऐसे ही वहाँ उस टाइम भी हुआ था कि जो पहला वेव वहाँ पर आया था स्पेनिश फ्लू का, एकदम नई बीमारी थी, पहला वेव आया था तो उसमें ज़्यादा लोग अफेक्ट नहीं हुए थे, जैसे हमारा कोविड का फर्स्ट वेव था वैसे ही वहाँ पे भी स्पेनिश फ्लू का फर्स्ट वेव था। फिर ये हुआ कि फिर सेकेंड वेव जब आया तो उसमें पूरी दुनिया बहुत बुरी तरीके से तबाह हुई थी, बहुत बुरी तरीके से पूरी दुनिया। बहुत बुरी तरीके से तबाह हुई थी, इंडिया में भी काफ़ी अफेक्ट देखा गया था सेकेंड। बाद में सेकेंड के बाद जो थर्ड वेव आया बहुत ही हल्का वेव हो गया था, क्यों? क्योंकि सेकेंड वेव में लोग इतना वायरस से वो हो गए थे, एकदम एक्सपोज हो गए थे, कि जो कमज़ोर था उनकी जो डेथ हो गई, और जो थोड़ा बहुत स्ट्रांग थे वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, पूरा इम्यूनिटी का खेल था सब, जिसके अंदर इम्यूनिटी आ गई तो वो जो है एकदम सेफ हो गया। तो वही हुआ कि वहाँ पर इम्यूनिटी आ गई थी, तो सेकेंड वेव के बाद जो थर्ड वेव आया उसका कुछ पता ही नहीं चला, और थर्ड वेव आके चला गया, और फिर पूरे के पूरे लोग एकदम इम्यून हो चुके थे, पूरी दुनिया भर के लोग एकदम इम्यून हो चुके थे, कि जो स्पेनिश फ्लू था अब कोई बड़ा फ्लू नहीं रह गया था, वो एक नॉर्मल सा सर्दी खांसी जुकाम वाला केस हो गया। कुछ वैसे ही केस यहाँ पे भी हुआ है कि फर्स्ट वेव जो आया लंबा चला पर उतना डैमेज क्रिएट नहीं किया, पर सेकेंड वेव जो आया अचानक से आया, आपने देखा होगा कि मार्च के मिड से स्टार्ट हुआ था और अप्रैल मिड में एकदम हाई लेवल पे चला गया था, अचानक से आया, और फिर जो है ये एकदम अचानक से ख़त्म भी हो गया, क्योंकि काफ़ी लोगों में इम्यूनिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया, काफ़ी तेज़ी से इम्यूनिटी बढ़ गया है, बन गया है, बहुत एकदम 1 महीने में स्टार्ट हुआ, 1 महीने तक चला और फिर 1 महीने में ख़त्म भी होने वाला है। आप तो लोग बोल रहे हैं कि 60,000 रोज़ केस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि काफ़ी कम हो चुके हैं, हाँ 4 लाख केस आते थे रोज़, अब 60,000 पर आ गया। तो वही है कि थर्ड वेव जो आएगा तो उस पर भी इफ़ेक्ट होगा, पर थर्ड वेव उतना ज़्यादा डैमेज क्रिएट नहीं करेगा जितना सेकेंड वेव कर चुका है, क्योंकि सेकेंड वेव ने अपना पूरा काम करके चला गया है। तो जो भी हो, पर हमें तो क्या करना है कि प्रिकॉशन के साथ हमें चीज़ों को आगे बढ़ाना है, प्रिकॉशन लेना है, जैसे कि अब तो ये है कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन वही है आपके अंदर इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है, वैक्सीन वैक्सीन का काम वही है। वैक्सीन में होता क्या है, लाइव वायरस होते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर फॉर्म के वायरस होते हैं, तो जो कमज़ोर वाले वायरस आते हैं हमारी बॉडी को मजबूत बनाते हैं, वही तगड़े वाले अगर वायरस आ जाते हैं तो वो हमारी बॉडी को ख़त्म कर देते हैं, तो कमज़ोर वाला वायरस होता है। तो चलिए हाँ ओके, कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लोग कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, सीधी सी बात है, इंटर पार्टिकल स्पेस से, केवल और केवल इंटर पार्टिकल स्पेस, कि अगर पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस है तो कॉम्प्रेस होगा, अगर इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं है तो कॉम्प्रेस नहीं होगा,
अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि गैस के केस में इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी वेरी हाई, तो वहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हाई. सो वी कैन से दैट कॉम्प्रेसिबिलिटी कैन बी जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस. लिख लीजिए. Compressibility can be justified by interparticle space. जल्दी से करिए, इसको हम खत्म करना चाहते हैं आज. Compressibility can be justified by interparticle space. अगला, fluidity and rigidity. Fluidity and rigidity. फ्लूडिटी एंड रिजिडिटी को हम लोग जस्टिफाई करेंगे दो पैरामीटर पर, जो कि साथ साथ चलता है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोमेंट ऑफ पार्टिकल. कि अगर पार्टिकल का मोमेंट है तो फ्लूड नेचर का है, और पार्टिकल का मोमेंट नहीं है तो रिजिड नेचर का है. तो फ्लूडिटी एंड रिजिडिटी कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोमेंट ऑफ पार्टिकल. दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज द मोर अप्रोप्रिएट वन. Note it down. Fluidity and rigidity. कर लिया होगा. आगे मूव करते हैं. वेरी गुड. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल किस आधार पे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोमेंट ऑफ पार्टिकल. सब कुछ अब सेम रिपीट हो रहा है. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है तो पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स है. अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो पार्टिकल का अरेंजमेंट फिक्स नहीं है. तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल को भी हम लोग यही करेंगे. अब सब कुछ सेम है बेटा, कोई भी नई बात नहीं है. इनफैक्ट हम ये कहना चाहेंगे कि अगर मोमेंट ऑफ पार्टिकल है तो वहाँ पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आएगा. दोनों चीज़ साथ साथ आएगा. सब कुछ सेम है. नोट करते चलिए, बस नोट करते चलिए. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल में दोनों को लिख लीजिए. और अंत में था काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मोमेंट ऑफ पार्टिकल पे करते हैं. That is moment of particle. More justifiable is moment of particle. Kinetic energy. अगर particle तेजी से move कर रहा है, kinetic energy ज़्यादा है. अगर particle नहीं move कर रहा है तो kinetic energy नहीं है. For example, solid. Note it down, please. और पता भी नहीं चला कि time कब खत्म हो गया. नोट कर लिया सबने? प्लीज नोट इट डाउन. मेरे ख्याल से आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. दैट इज़ ऑल वी हैव फॉर टुडे. आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसकी प्रॉपर्टी चेंज करती है, वो हम लोग तीन कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं, तीन पैरामीटर पे डिवाइड करते हैं. दैट्स ऑल वी हैव टू नो अबाउट इट. किताबों में तो अलग से दिया नहीं जाता है, कि हमने यहाँ पे आपको अलग से लिखवा दिया है. किताबों में सब कुछ मिक्स कर दिया हुआ है. तो हमने क्या किया, सारी चीज़ों को हमने फॉर्मलाइज कर लिया है, सिस्टमाइज कर लिया है. बस आप नोट्स को पढ़ेंगे, लेक्चर को बस रिवाइज करेंगे, देन यू ऑल बी हैविंग अ गुड एडवांटेज देन अदर्स स्टूडेंट. तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में. आई होप कल शायद मेरी क्लास है, कल भी मेरी क्लास रहेगी. तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं, और कल हम लोग इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे. तब तक अपना ख्याल रखिए, औरों का ख्याल रखिए, और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए,
अच्छे से खाइए, हेल्दी खाइए, जंक फूड का इस्तेमाल मत करिए। जंक फूड आप खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है अंदर ही अंदर कमज़ोर बनती जाती है, वही सबसे घातक होता है। कि हमने देखा है कि जो जिसकी बॉडी कमज़ोर थी वो बहुत जल्दी कोरोना से अफेक्टिव हुआ था। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग बने, और स्ट्रांग बनने के लिए आपको हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, और मस्त रहिए, खेलिए कूदिए, थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी बॉडी और भी ज़्यादा फिट होती है। तो फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस करिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम करिए। मोबाइल का इस्तेमाल कम करने का मतलब ये नहीं कि मोबाइल छोड़ दीजिए और लेक्चर ऑनलाइन लेक्चर करें ना। ऑनलाइन लेक्चर के लिए आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना ही करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वंदना, डीपीपी कहाँ मिलेगा? डीपीपी जो है आपको L1 Aspire पे मिलेगा। अभी मैंने L1 Aspire का लुक देखा नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में हम L1 Aspire के लुक को देखेंगे कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। एक बार हम लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपको डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे। जो डीपीपी जो है या क्वेश्चन शीट है या कुछ भी, आपको सब कुछ अब L1 Aspire पर ही मिलेगा, वहीं पर सब कुछ आपको फुल प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, बाय बाय।